हाई दी माई नेम इज़ मुस्कान एंड यू आर वॉचिंग नॉलेज स्कूल सो टुडे इन दिस वीडियो जो रॉक की हमने पीछे डिस्कस किया था इंग्निस रॉक पार्ट वन में उसको हम जो है इसमें कॉन्टिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम सेगेमेंट्री रॉक और मेटामॉफिक रॉक को देखेंगे डिटेल में सो दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट टू ऑफ जो हम हम डिस्कस करें जियो मार्फोलॉजी में रॉक्स के बारे में ड प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल हम देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक सो so, सेडिमेंट्री रॉक होती क्या है राइट सो सेडिमेंट्री रॉकस एज द वर्ड इट्स सेल्फ एम्प्लाइज दैट दीज रॉक आर फॉर्मेड ड्यू टू एग्रीगेशन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट सेडिमेंट के इकट्ठा होने से सेडिमेंट के जमने से जो है ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो बनती हैं राइट नाउ द वर्ड सेडिमेंट्री इज़ डाइव फ्रॉम लेटिन वर्ल्ड सेडिमेंटम विच मींस सेटलिंग डाउन जो वर्ड है सेडिमेंट्री ये आपका लेटिन वर्ड से लेटिन जो भाषा है लेटिन भाषा का जो शब्द है सेडिमेंटम उससे लिया गया है जिसका मतलब होता है सेटलिंग डाउन सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं ऑल्सो नोन एज स्टार्टिफाइड एंड लेअर्ड रॉक्स जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनको स्टार्टिफाइड रॉक्स या फिर लेअर्ड जो रॉक्स हैं वो भी कहा जाता है तो इग्निस रॉक हमने देखा कि जो लावा की सॉलिडिफाई होने से बनती है और जो सेडिमेंट्री रॉक है आपकी ये सेडिमेंट के कॉम्पैक्शन से उनके एग्रीगेशन से जो है वो बनती है और जो वर्ड है सेडिमेंट्री दैट इज़ डिराइव फ्राम आपके जो लेटिन शब्द है सेडिमेंटम से जिसका मतलब होता है कि सेटलिन डाउन राइट तो जो सेडिमेंट है जैसे मानो यहाँ पे सेटल होते जाएंगे ऐसे सेटल होते जाएंगे तो ये जो है एक लेयर स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह का इसलिए इनको लेयर्ड रॉक्स भी कहते हैं या फिर स्टार्टिफाइड रॉक्स भी कहते हैं नाउ कमिंग टू करेक्टरिस्टिक ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स सो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म मेड ऑफ सेडिमेंट डिराइव फ्राम ओल्डर रॉक्स अगर आप यहाँ देखें तो जो सेडिमेंट्री रॉक है ये जो है सेडिमेंट से बनती है जो कि पुरानी रॉक्स के जो सेडिमेंट है उनसे जो है वो सेडिमेंट्री रॉक जो है वो बनती हैं प्लांट्स एनिमल्स रिमेन्स दस रॉक कंटेन्स फॉसिल्स ऑफ प्लांट एंड फ्यूल्स जो प्लांट और एनिमल्स हैं उन वो जो है ऐसे ही रहते हैं सेडिमेंट के पीछे या तो दब जाएंगे उनके जो अवशेष हैं इसलिए जो है आपके वो सेडिमेंट्री रॉक में मिलते हैं अगर आप इग्नियस रॉक के साथ इसको कंपैरिजन करोगे तो फॉसिल्स जो है वो इग्नियस रॉक में जो है वो नहीं पाए जाते हैं उसका कारण यही होता है कि मैग्मा काफ़ी गर्म होता है एक तो राइट दूसरा ये कि जो फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक है वो मेनली आपके ओरिजिन ऑफ अर्थ के टाइम हुआ था राइट तो उस टाइम लाइफ तो थी नहीं लाइफ बाद में ओरिजिनेट हुई और सरफेस पे तो इसलिए भी वहाँ पे फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स आर फाउंड ओवर द लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑफ ग्लोब जो सेडिमेंटरी रॉक है वो ग्लोब के सबसे ज़्यादा पोर्शन में वो पाई जाती है यानी कि सेवेंटी फाइव परसेंट अगर आप यहाँ देखेंगे सेवेंटी फाइव एरिया जो है वो सेडिमेंटरी रॉक जो है कवर करती है और रिमेनिंग जो ट्वेंटी फाइव परसेंट है वो आपकी जो है इग्नियस रॉक एंड देन जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो कवर करती है देन सेटिमेंट्री रॉक्स कंटेन सेवरल लेयर्स एंड स्टाटा बट दीज आर सेल्डम क्रिस्टलाइन रॉक्स जो सेटिमेंट्री रॉक्स है वो बहुत सारी लेयर्स बहुत सारा स्टाटा को तो कंटेन करती हैं बट वो कैसी नेचर की होती है क्रिस्टलाइन नेचर की राइट right? क्रिस्टल की फॉर्म में होती हैं Now moving further, like igneous rock sedimentary rock are not found in massive form, such as batholith, lacolith, dikes etc. हमने देखा कि जो igneous rock है, earth के surface के अंदर वो बहुत सारी form में जो है वो पाई जाती है, like your batholith, lacolith, dikes की form में, but ये जो है sedimentary के case में नहीं होता है, right? लेयर्स ऑफ sedimentary रॉक seldom फाउंड इन ओरिजिनल एंड horizontal मैनर जो सेडिमेंट्री रॉक है वो किस रूप में पाई जाती है या तो उसके ओरिजिनल फॉर्म में जैसी है वैसे या फिर हॉरिजेंटल मैनर में सेडिमेंट्री रॉक में बी वेल कंसोलिडेटेड एंड इवन अनकंसोलिडेटेड जो सेडिमेंट्री रॉक है वो इकट्ठे भी हो सकती है कॉम्पैक्शन में भी हो सकती है कंसॉलीडेटेड भी हो सकती है या फिर अनकसॉलिडेटेड भी हो सकती है the composition of the rocks depend upon the nature of cementing elements and rock forming mineral rocks mein kya hai kis tarah ka nature hai rocks ka right rock kis se bani hai uska composition kya hai ye depend karta hai ki cementing elements कौन से है right? किन elements से rock बनी है या फिर किन uh, minerals uh, से वो रॉक पर्टिकुलर सेडिमेंट्री रॉक बनी है

कंजिव बेड्स और लेर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज कॉल्ड बेडिंग प्लेन अब यहाँ ये यह क्या कहता है कि जो कनेक्टिंग प्लेन होता है दो कंजिक के बीच में या फिर दो लेर्स ऑफ सेडिमेंट्री के बीच में जो कनेक्ट करने वाला प्लेन होता है उसको कहते हैं आपका बेडिंग प्लेन राइट द यूनिफॉर्मिटी ऑफ टू बेड्स अलॉन्ग अ बेडिंग प्लेन इज कॉल्ड कंफर्मेटरी अगर दो बेड्स यूनिफॉर्म हैं एक जैसे हैं राइट बेडिंग प्लेन के अलॉन्ग तो उनको कहते हैं कन्फर्मिटी वन टू कन्जिक्यूटि बेड्स आर नॉट यूनिफॉर्म और कन्फॉर्मल द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अनकॉर्मिटी अब कहते हैं कि जब दो कंसेक्यूटिव बेड्स यूनिफॉर्म नहीं होते हैं या फिर कन्फॉर्मल नहीं है, दे आर नॉट कन्फॉर्मल दे आर नॉट यूनिफॉर्म उस स्ट्रक्चर को कहते हैं अनकनफर्मिटी राइट right? जो यूनिफॉर्म है बेड्स उनको कन्फर्मिटी कहते हैं जो नहीं है यूनिफॉर्म उनको अनकन्फर्मिटी कहते हैं सॉफ्ट मर्ड्स एंड एलुविया डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स ड्यूरिंग फ्लड पीरियड डेवलप क्रैक वन बेक्ड इन सन जो सॉफ्ट मर्ड एंड एलुिया जो डिपॉजिटेड होता है रिवर्स के द्वारा फ्लड्स के टाइम पीरियड के दौरान उनमें जो है क्रैक्स डिवेलप हो जाते हैं जब आपकी सूरज की रोशनी उस पर जो है जाती है राइट right? क्योंकि वो पानी को सोख लेती है इसलिए उसमें क्रैक्स डिवेलप हो जाते हैं नाउ क्रैक्स आर पॉलीगोनल शेप जो क्रैक्स हैं वो पॉलीगोनल शेप होते हैं यानी कि छः कोने होते हैं उनके पॉलीगोनल मतलब दो से ज्यादा राइट right? आप इस तरह से समझिए इसको पॉलीगोनल शेप के होते हैं तीन चार कितनी भी शेप हो सकती है उसकी। सच क्रैक्स आर कॉल्ड मड क्रैक्स एंड सन क्रैक्स इस तरह के क्रैक्स को क्या कहते हैं मड क्रैक्स कहते हैं एंड सन क्रैक्स कहते हैं एलुवियल uh, जो सॉयल है उसमें आते हैं ये क्रैक्स मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स आर परमीएबल पोरस बट फ्यू ऑफ देम आर नॉन फोरस और इम बहुत सारी जो सेडिमेंट्री रॉक्स है परमिएबल है परमिएबल यानी कि जिससे पानी नीचे जा सकता है परकुलेट हो सकता है पोरस होती है राइट right? छिद्र में होते हैं बट कुछ सेडिमेंट्री रॉक होती है जो नॉन पोरस होती है इम्पॉर्मेबल होती है यानी कि जिस ना तो पानी नीचे जाता है राइट right? uh, उनमें चूसती है ना तो पानी चूसती है वो ना ही उनमें रंदर होते हैं द पोरोसिटी ऑफ रॉक डिपेंड अपॉन द रेशियो बिटवीन दर्ड्स एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन मास जो पोरोसिटी होती है रॉक की राइट right? कि पानी को कितना जो है वो अब्जोर्व करेगी वो डिपेंड करता है रेशियो किसके बीच का कितने वॉइड्स हैं उसमें यानी कि कितने um, होल हैं एंड वॉल्यूम ऑफ गिवन रॉक मास और कितना जो है वो uh, मतलब कितना रॉक है कितना मास है उसका राइट right? उस पर डिपेंड करती है अब आप क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स का देखेंगे सो देयर आर मैनी क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेडिमेंट्स मकैनिकली फॉर्मेड और प्लास्टिक जो रॉक्स होती हैं जैसे आपकी सैंडस्टोन है कॉन्ग्लोमेरोइट्स है क्ले रॉक है शेल है लॉयस है केमिकली फॉर्मेड सेडिमेंट्री रॉक कौन कौन सी है आपकी जिप्सम है सॉल्ट रॉक है ऑर्गेनिकली फॉर्मेड सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी है लाइम स्टोन टोलोमाइट्स कोल्स पीट्स ये एम सी क्यू बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं जो एंट्रेंस में आते हैं उसमें आ सकता है कि केमिकली फॉर्मेड रॉक्स कौन सी आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे लाइम स्टोन डिपम सॉल्ट रॉक नन ऑफ एब तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन से हैं राइट तो इनको ध्यान से आप नोट कर दीजिए एक वन मार्क्स के लिए कि ये बदली पूछे जाते हैं ये नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स के बेसिस पे एग्रेलियस और एकवस्ट रॉक्स इसमें मेराइन रॉक्स एंड लक्सट्रीन रॉक्स और रिवराइन रॉक्स ये तीनों आती हैं एवलिन सेडिमेंट्री रॉक्स में हमारे पास लॉइस ग्लेशियसमेंट्री रॉक एंड मोरिंस ये इनमें आते हैं राइट ना मेटामोफिक रॉक्स में अगर आते हैं सो so, जो मेटामोफिक रॉक है मैंने आपको इनिशियली बताया था ये uh, जो आपकी इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक होती है उनकी फॉर्म में रॉक फॉर्म में चेंज होता है राइट right? तो फिर जो लास्ट प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज़ योर मेटामोफिक रॉक और मैंने आपको बताया था कि रॉक का एक पूरा साइकिल है पहले आपकी इग्नियस रॉक बनती है जिसको कि प्राइमरी रॉक भी कहा जाता है देन आपकी सेडिमेंट्री रॉक बनती है एंड लास्ट में जो है वो आपके मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है वो बनती हैं सो so, जो मेटामॉर्फिज्म अगर आप वर्ड देखें दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम मेटामोफोज जो वर्ड है उससे जिसका मतलब होता है चेंज इन फॉर्म्स यानी कि फॉर्म में चेंज हो जाना इनफैक्ट metamorphic रॉक means complete alteration इन द अपीयरेंस ऑफ प्री existing रॉक्स ड्यू टू चेंज इन मिनरल कंपोजिशन एंड texture थ्रू temperature एंड प्रेशर अब क्या होता है कि जो आपके जो इग्नियस रॉक है या सेडिमेंट रॉक है उन पे या तो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा या temperature अप्लाई किया जाएगा राइट सो so, जब हम उसमें हाई temperature अप्लाई करेंगे या हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका जो uh, टेक्स्र uh, है कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाता है कम्प्लीटली और जो रिजल्टेंट uh, जो प्रोडक्ट आपको मिलता है दैट इज़ योर मेटामॉर्फिक रॉक राइट तो वही इसमें कहा गया है कि कम्प्लीट uh, ऑल्टरेशन हो जाता है प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स में राइट right? वो चाहे आपकी सेडिमेंट्री हो चाहे इग्नियस रॉक हो चेंज हो जाता है उसके मिनरल में कॉम्पोजिशन में टेक्स्चर में जब हम अप्लाई करते हैं थ्रू योर टेम्परेचर एंड प्रेशर मेटामॉर्फिक रॉकस आर जनरली फॉर्मेड ड्यू टू चेंज इन फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक देखिए यहाँ पर लिखा भी है जो मेटामोफिक रॉक है वो जनरली किससे बनती है जबकि चेंज करते हैं हम किसकी फॉर्म सेडिमेंट्री एंड इग्नियस रॉक की फॉर्म राइट नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ मेटामोफिजम दे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटामोफिजम पहले हमारे पास कॉन्टेक्ट मेटामोफिजम है देन रीजनल मेटामॉर्फिज्म है जिसको डायनामिक मेटामोफिजम भी कहा जाता है हाइड्रो मेटामोफिज़म हाँ हाइडल थर्मो मेटामोफिज़म हाँ राइट सो so, ये टाइप है आई विल नॉट एक्सप्लेन टू यू इतना डिटेल में पूछे भी नहीं जाते अगर आप कुछ आ, देखने ही हैं ये इफ यू आर थर्स्टी टू लर्न मोर अबाउट दीज टाइप्स ऑफ मेटामॉफिज्म तो आप सरविंद्रा सिंह की बुक में देख सकते हैं गूगल uh, में देख सकते हैं या फिर जो दूसरे सोर्सेज हैं उनको मतलब आप यूज़ कर सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटामोफिक रॉक्स अगर हम देखें तो मेनली दो तरह की मेटामोफिक रॉक्स हैं हमारे पास राइट एक है हमारे पास मेटा सेडिमेंटरी और एक दूसरी है पैरा सेडिमेंट्री अच्छा पैरा मेटामोफिक तो ये है एक दूसरी है हमारे पास ये वाली मेटा इग्नियस और ऑर्टोमारफिक रॉक सो जो आपकी मेटा सेडिमेंट्री एंड पैरासे मेटामोफिक रॉक है ये वो मेटामॉर्फिक रॉक हैं जो कि फॉर्मेड बनती हैं ड्यू टू आल्ट्रेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इसीलिए इनको मेटा सेडिमेंट्री या फिर पैरा मेटामॉर्फिक रॉक भी कहते हैं यानी कि सेडिमेंट्री रॉक के चेंज होने से जो रॉक बनती है लास्ट प्रोडक्ट जो होता है वो आपका मेटा सेडिमेंट्री या फिर पैरा मेटामॉर्फिक रॉक होता है राइट right? सो so, इसका एग्जाम्पल है जैसे मार्बल फ्रॉम लाइम स्टोन कजर्ट फ्रॉम सेंट स्टोन राइट नाउ कमिंग टू मेटा इग्नियस और ऑटो मेटामॉर्फिक रॉक तो ये वो ऐसे मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं जो कि आ, किसके फॉर्म में चेंज करने से बनती है इग्नियस रॉक इग्नियस रॉक के फॉर्म में जब आप चेंज लाते हो बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड टेम्परेचर तो आपके पास मेटा इग्नियस और ऑटो मे, तो, जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो बनती है जैसे सरपिनटाइन फ्राम गैब्रो इसके एग्जाम्पल है इकलोगाइड फ्राम बसाल रॉक सो दीज आर इट्स एग्जाम्पल सो आई होप कि आपको ये सेगिमेंट्री एंड मेटामॉफिक रॉक्स जो है समझ में आई है बहुत ही सिम्पल वे में मैंने आपको ट्राई किया है कि आई विल एक्सप्ल टू यू ज़्यादा जो है आई हैडेंट यूज वेरी बल्की वर्ड्स सिम्पल भाषा में हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए एंड आई होप यू पीपल विल like share and subscribe my videos Zada Se Zada, because uh, it takes so much hard work to write down this content uh, for you people right? i hope um, you will share this video with your friends as well so thanks for watching bye and take care